आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर वाराणसी की है, जहां सरोली वार्ड नंबर 16 जनता सड़क सीवर एवं पानी की समस्या से परेशान है। वहीं परेशान जनता के दर्द को लेकर निर्दल पार्षद प्रत्याशी विनय कुमार सिंह ने जनता से मुलाकात की। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के संवाददाता ने जब वार्ड का भ्रमण किया और वार्ड की जनता से जमीनी हकीकत जायजा लिया, तो वार्ड की जनता ने बताया कि अभी तक हमारे वार्ड में पुराने सभासद ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया और हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारी समस्याओं को सुने एवं उसका निवारण करे। वहीं निर्दल पार्षद प्रत्याशी विनय कुमार सिंह ने जनता के हित में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सरसौली वार्ड के जनता से मेरा एक अपील है कि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा, अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। सारे मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि सही प्रत्याशी को चुनाव करें। किसी दल के हाईकमानों के कहने से कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा प्रत्याशी वही हो सकता है जिसका चरित्र, जिसका व्यवहार, जिसका शिक्षा अच्छा हो। ये सारे मतदाताओं, सरसौली 16 नंबर वार्ड के सारे मतदाताओं से मेरा अपील है कि एक बार अवश्य इस बात पर ध्यान देकर मतदान करें कि कौन प्रत्याशी अच्छा है, विचार करें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मत दीजिए अपना एक बार, लेकिन मत देने से पहले विचार करिए कि 8 प्रत्याशी या 9 प्रत्याशी हैं, उसमें कौन उपयुक्त है। शिक्षा की दृष्टि से, आपके सुख दुख के दृष्टि से, आपके हर वक्त काम आने की दृष्टि से, न कि किसी पार्टी विशेष के कहने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता। हम किसी दल की बुराई नहीं करते, चाहे वो सपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई दल खराब नहीं है, किसी दल की बुराई मैं नहीं करता। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में किसी को टिकट दे देना और अच्छे कैंडिडेट को चुनाव न करना, ये सरसौली वार्ड नंबर 16 जनता के साथ कहीं ना कहीं से अन्याय हुआ है। इस अन्याय के खिलाफ मैं चुनाव मैदान में हूँ। अन्यथा चुनाव लड़ने का कोई ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं है। हाँ, मैं इसीलिए बाध्य होकर मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।